आप सभी को प्रकाश पिंगल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को जो फॉरेन मेडिकल की स्टडीज कर रहे हैं उनको एक अपडेट देना चाहते हैं, उनकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस मिस हुई थी कोविड के दरमियान उसके बारे में। जैसा कि जनवरी 2024 में जो FMG का एग्जाम हुआ था वो क्वालिफाई कर चुके स्टूडेंट्स ने जब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए या फिर जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स में अप्लाई किया, तो जो उनकी क्लासेस मिस हुई थी उसके मार्कअप सर्टिफिकेट के बारे में स्टेट मेडिकल काउंसिल ने पूछा। जैसा कि काफ़ी समय पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बताया गया था कि जिन स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस हुई है, भले वो फाइनल ईयर में हो या प्री फाइनल ईयर में हो या उससे पहले की स्टडीज़ में हो, तो जितनी स्टडीज़ उनकी ऑनलाइन हुई है उसी के इक्विवेलेंट टाइम में उनको इंडिया आकर एक क्लिनिकल क्लर्कशिप करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें कॉलेज को भी पे करना पड़ सकता है फीस। उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, स्टाइपेंड सिर्फ उनको जब वो इंटर्नशिप कर रहे हैं उसी के दरमियान मिलेगा। ऐसे में जो आपका ये समय जाएगा इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने बहुत पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बताया था कि आप अपने मार्कअप सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ जिस ईयर में आपके जो भी सब्जेक्ट्स चलते हैं उसमें जितने भी प्रैक्टिकल आवर्स होते हैं वो यदि आपने उस समय मिस किए थे तो आप एक मार्कअप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो जिसका परफॉर्मा हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसमें आप आपके ईयर के अनुसार, आपके कॉलेज के अनुसार और आपकी कंट्री के अनुसार अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं और उस यूनिवर्सिटी के कुरिकुलम में किस ईयर में कितने आवर्स के प्रैक्टिकल्स होने चाहिए ये आप यूनिवर्सिटी के रूल के अनुसार मार्कअप सर्टिफिकेट में मेंशन कर सकते हैं। और ये स्टेट मेडिकल काउंसिल में जब आप सबमिट करेंगे तो मोस्टली यदि मार्कअप सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन है और आप इसको प्रूव कर पाते हैं कि आपने अपनी जो प्रैक्टिकल क्लासेस मिस हुई हैं उनको आपने अपनी फाइनल ईयर में या फिर जब आप इंटर्न करने गए हैं तब आपने कर लिया है या फिर आपने बाद में अलग से जाकर इस टाइम ड्यूरेशन को मैच कर लिया है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको जो एक पेड क्लिनिकल क्लर्कशिप है जिसमें आपको इंस्टीट्यूशन को पैसा पे करना था अराउंड 5,000 पर मंथ मिनिमम, वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा और आपकी एक साल इस मार्कअप सर्टिफिकेट से बच सकती है।